तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वक्फ जायदादों पर गैर मजाज काबिजीन और कब्रस्तानों में जगह ना देने वाले कमेटियों के अरकान के खिलाफ कार्रवाई और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वक्फ जायदादों के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के इंचार्ज के तौर पर DSP सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने फिर एक बार कब्रस्तान कमेटियों से अपील की है कि वो हर किसी को खबर के लिए जगह दें। वहीं उन्होंने इससे मुतालिक शिकायात के लिए आज फिर एक बार हेल्प डेस्क का फ़ोन नंबर जारी करते हुए कहा कि इस ज़िमन में शिकायात मौसूल होने पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरतमंद गरीब अफराद की तदफीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। आज जो मीटिंग रखी गई है, पूरे ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट और हमारे DSP साहब को भी हमारे गवर्नमेंट से जो अपॉइंट करें, क्योंकि टास्क फोर्स टीम के इंचार्ज बना के जो है जहाँ जहाँ भी वफ लैंड इंक्रोच हो रही और कब्रस्तानों में जो है जो प्रॉब्लम है, जगह नहीं दे रहे कोविड के, तो उसके तो एरिया वाइज होना बोल के है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो यार जनरल हम लोग डिस्कशन करें, तो ये डिस्कशन ये था कि आज कब्रस्तानों में इससे पहले भी बार बार बोल रहे कि फ्री तदफीन होना बोल के, तो फ्री तदफीन बोलने के बावजूद भी जो है ना मुतवलिया हमारा ज़ाती कब्रस्तान है बोले, वैसा जो है कर रहे कमेटियाँ वाले भी वैसी, तो इंशाल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट आएगा उनको बिल्कुल सस्पेंड करने का काम बोर्ड में रख के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मनापोली नहीं कर सकते कोई भी। ये वफ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, हर एक का फ़र्ज़ है कि वहाँ पर किसका भी अगर एरिया में इंतकाल हुआ या बाहर वाले भी आके दफनाना चाह रहे तो बराबर दफना सकते। ये जो है ना फ्री तदफीन करने के लिए जगह दीजिए, पैसा का मांग भी मत करिए आप लोग, खाली खोदने के पैसे जो है ना जो होते वो लेना है, उससे हटके कुछ नहीं लेना है। और हमारे पास भी वक्फ बोर्ड से जो है 5,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग, जहाँ पर भी तदफीन है वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हेल्पलाइन है हमारे पास, यहाँ पर फ़ोन करिए, फ़ोन नंबर भी इससे पहले दिए हम अभी भी देते, फ़ोन नंबर पे जो है ना आप फ़ोन करिए, आप कहने हम 8 आदमी का स्टाफ रखे हम लोग, स्पॉट पे लेके आकर जो है ना जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है हमारे लोग लेके आकर जो है ना वहाँ पर पैसे पहुँचाने का काम भी, यहाँ तक यहाँ के लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्पॉट पर लेके जाके जहाँ भी इंतकाल हुआ वहाँ पर देने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, हम लोग भी तैयार है। वक्फ बोर्ड पूरा जो है ये, क्योंकि कोविड से लोग परेशान हैं, हम लोग भी ये डेली मॉनिटर कर रहे हैं, ग्रेवियार्ड्स के कई लोग फ़ोन आ कर रहे, तो मैं हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह सब जाके जो है ना दे रहे। ये हेल्पलाइन का नंबर है 799-55-60-136, ये नंबर है, ये नंबर पे जो है ना आप लोग कॉल करिए, अगर नहीं दिए पैसे कोई कुछ नहीं है तो इमीडिएट बोलिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे इंशाल्लाह उसको, क्योंकि ये सर्विस देने के लिए हम लोग हैं। वफ प्रॉपर्टी जो है ना ऑलवेज वफ रहती, वफ प्रॉपर्टी पे जो है ना किसी का भी हुकूमत नहीं चल सकती। शहर बोधन में फिर एक मरतबा वक्फ इमलाक पर नाजायज काबिजीन की जानिब से अराजियात को अपने नाम करने और म्यूटेशन करवाने के लिए बल्दी मंजूरी की कोशिश मुसलसल जारी है, जिस पर आज सैयद कलीम सदर कमेटी नादे अली मस्जिद व दरगाह फेरोज शाह दादार रहमतुल्लाह अलैह ने अराकीन मजलिस पार्टी बोधन मोहम्मद वलीउद्दीन, मुआविन अराकीन आदिल बाबर, समीर साम, अलीम रज़ा, नवीद रज़ा के हमरा बल्दी कमिश्नर रामलिंगम RDO ऑफिस पहुँच कर AO ममता मैडम को याददाश्त हवाले की, जिसमें वफ अराजियात का जदीद सर्वे करवाने और गैर मजाज तौर पर म्यूटेशन व दीगर रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की दरख्वास्त की गई, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी रास्त इस औकाफी अराजी के लिए मदाखलत करते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मैं मोहम्मद रजीज इमाम कौंसलर, तमाम मेरे कौंसलर्स और मस्जिद नादे अली कमेटी के मेंबर्स और सदर, मस्जिद नादे अली कमेटी की जो ज़मीन है सर्वे नंबर 713 गैर जरूरी इस पर कब्जा है, और एक जो कुछ अनासर उसको मोटेशन के लिए म्यूनसिपाली में दी है, और मैं हम तुम्हारे तमाम कौंसलर्स और मस्जिद कमेटी म्यूनसिपाली में भी उसका हम एक दरख्वास्त दिए क्योंकि मोटेशन को रोक दे, और RDO ऑफिस को भी दिए कि प्रेजेंट एक सर्वे कराए, हमारा सर्वे कराए, हमारी जो प्रॉपर्टी है हमको दिला दीजिए। फिर उस रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का भी मसला है, और तमाम भोजन के जो वक्फ लैंड है
गैर जरूरी कब्जा हो रहा, लिहाजा मैं और तमाम इमाम कौंसलर्स मजीद कमेटी और बोधन के तमाम मुसलमान आपसे गुजारिश करते हैं सदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से कि हमारे जो तहफ़ जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की हमारे पे ज़रा तवज्जो देकर हमारी प्रॉपर्टी हमको दिलाएं और जो भी गैर जरूरी जो कब्जात हो रहे उसको ज़रा बर्खास्त करने की कोशिश करें और आरडीओ साहब को भी हमारे मेमोरेंडम दिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि हमारी प्रॉपर्टी हमको हो और सर्वे करा कर